हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर वीवो फ़ोन में वीआई सिम पर मैसेज नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर मैसेज वाले ऐप को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर है मैसेज वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। अब जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट अलाउ, इसके नीचे जो भी परमिशन है यह अलाउ नहीं है। तो करना क्या है, इस परमिशन पर क्लिक करके ऊपर ऑप्शन है अलाउ का, इस पर क्लिक करना है और बैक आना है। तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन में चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो देखिए मैंने यहाँ सभी परमिशन को अलाउ कर दिया, फिर बैक आना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज नाम का, स्टोरेज नाम से भी हो सकता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर होम स्क्रीन पर आना है। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन की लॉक स्क्रीन वाली बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करना है और फिर से क्लिक कर देंगे तो मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगी। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, फिर मैसेज भी आने लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।